सफेद बर्फ से ढका पहाड़, घने जंगल, बड़ी झील, पानी के झरने और सिक्किम के धार्मिक स्थल हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते आ रहे हैं। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। सिक्किम में जाने के लिए अभी तक सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक बाय रोड और एक बाय प्लेन। पर अब पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी है, इंडियन रेलवे ने सिक्किम में भी रेलवे लाइन बना रहे हैं। अभी तक सिक्किम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी है, पर अब सिलीगुड़ी के सेवक से सिक्किम के रंगपो तक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। ये रेलवे लाइन 44.98 किलोमीटर का होगा। इस रेलवे लाइन में 19 ब्रिज और 14 टनल होगा, जिसमें 38.55 किलोमीटर सिर्फ टनल ही होगा। इसमें से सबसे बड़ा टनल 5,270 मीटर और सबसे छोटा टनल 538 मीटर का होगा। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक बाय रोड पहुंचने में 3.5 से 4 घंटा लगता है, पर यह रोड भी साल के कई दिनों तक लैंडस्लाइड के लिए बंद रहता है। पर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद पर्यटकों के साथ बाकी सभी के लिए मददगार साबित होगा। और सिक्किम में ही है चाइना का बॉर्डर नथुला, जहां से इंडिया चाइना के बीच व्यापार किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट से चाइना के साथ व्यापार में आर्मी इक्विपमेंट, मेडिसिन और आर्मी को जाने में भी सुविधा होगा। सेवक से रियांग तक इस रेलवे लाइन में टोटल 5 स्टेशन होगा, सेवक, रियांग, किस्ता बाजार, मेली और रंगपो। इस रेलवे प्रोजेक्ट की और एक खासियत है, ये एक ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, जिसमें प्रकृति को कोई भी क्षति ना पहुंचाकर टनल के बीच से ट्रेन को चलाया जाएगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट का कुल लागत है 4085 करोड़ और ये प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा होने का उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।